करके गुजर करके रह जाएगा। इसलिए हमारे गुरुदेव जी महाराज ने एक रास्ता दिया कि तुम चाहे जिन देवी देवताओं को मानते हो, चाहे तुम जितनी पूजा पद्धति करते हो, जो भी करो, लेकिन अगर तुम अपने मानवीय कर्तव्यों का पालन करते हो तो अपने आप तुम्हें सब कुछ मिलता चला जाएगा जिसके लिए तुम परेशान हो। और वह हमारे कर्तव्य क्या है? किताबों में पढ़ेंगे, पुस्तकों में पढ़ेंगे, अलग अलग भाषा में बताया गया है, परोपकाराय च पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार ही पुण्य है, स्वार्थ ही पाप है। मनुष्य अपने लिए जीवन न जिए, तरह तरह की बातें लिखेंगे, संस्कृत में पढ़ने को मिलेगी, कहीं श्लोक मिलेगा, कहीं छंद में मिलेगा। इन्हीं सभी बातों को परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हर मनुष्य के तीन कर्तव्य होते हैं, धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा और मानवता की सेवा। छोटा बच्चा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अगर वह धरती पर जन्म ले चुका है तो वह धर्म की रक्षा करे। धर्म क्या है? धर्म कोई बहुत बड़ा अलग से दिखने वाला कार्य नहीं है। हम सुबह सोकर के उठते हैं और रात में सो जाते हैं, उसके बीच हम जितने भी प्रकार के कार्य करते हैं उसी उन्हीं कार्यों में हम धर्म की रक्षा करें, धर्म पूर्ण कार्य करें। और धर्म की रक्षा हम तभी कर पाएंगे जब हम स्वतः धर्म का पालन करेंगे। हम सुबह उठें, हम नित्य प्रति देवी देवताओं की आराधना करें, हम नशा मुक्त जीवन जिए, मांसाहार मुक्त जीवन जिए, चरित्रवानों का जीवन जिए, हम दूसरे को परेशान न करें, दूसरे के दुख दर्द में उसकी सहायता करें, और जिस भी कार्य से समाज का उत्थान हो रहा हो अपना परम कर्तव्य मानते हुए इस कार्य में अपने आप को झोंक दें, तभी धर्म की रक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र राय गंवार।